A tea seller used to make 50% profit by selling a tea at 9 rupees per cup. When the cost ingredients increase by 25%, he starts selling at the 10% per cup. What is the profit percent now? Okay, तो 9 रुपये वाला 9 रुपये कप दे रहा था, उसमें से 50% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 150% के लिए 100, यहाँ से मेरा CP मिल जाएगा। तो CP क्या आएगा मेरा, जो कैंसिल करके आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, 3 2 जो 6, तो CP मेरा क्या आ गया, 6 आया। अब ये जो CP आया, इसमें बोल रहा है 25% इंक्रीज हुआ इंग्रेडिएंट की वजह से, तो 6 का 25% इंक्रीज, यानी कि 125% के लिए 100, 25 5 जा 25 4 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 by 2, तो फाइनल CP होगा मेरा कितना, 2 7 जा 14, 7.5 मेरा आ गया फाइनल CP। अब SP का बात कर लेते हैं, SP सेलिंग प्राइस है उसका, फिर उसने 10 रुपये पर कप करके बेचा। अब यहाँ से उसका परसेंटेज निकाल सकता हूँ मैं, तो डिफरेंस देखिए कितना गया, 2.5, नीचे जब भी क्या होगा CP होगा 7.5% के लिए इंटू 100, डेसिमल रिमूव, 25 25 25 25 3 जहाँ, सो 100 by 3 को अगर मैं 3 से अगर 100 को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 33 1/3।